दोस्तों इस फेस्टिव सीजन में अगर आप कोई फ्लैगशिप फोन लेना चाहते हैं पर आपका उतना बजट नहीं है और आप सैमसंग का फोन लेना चाहते हैं तो आप कौन सा फोन लेंगे? यस, आज हम बात कर रहे हैं सैमसंग गैलेक्सी S20 FE की। ये सैमसंग नोट 20 सीरीज और सैमसंग S20 सीरीज का कॉम्बो है, साथ में इसकी प्राइसिंग भी काफी कम है। फ्लैगशिप के अधिकतर फीचर्स इसमें देखने को मिलते हैं, इसके बारे में सब कुछ डिटेल से बताऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा इसे क्यों लेना चाहिए। उससे पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिलती रहे जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ। और हाँ, वीडियो को पूरा देखें तभी आप जान पाएंगे कि फ़ोन अच्छा है या बुरा। आज सबसे पहले डिज़ाइन की बात करें तो मैं ग्लास बैग की जगह पॉलीकार्बोनेट बैग दिया गया है, जिसे आप प्लास्टिक भी बोल सकते हैं, पर क्वालिटी इतनी प्रीमियम है कि लगता है जैसे ग्लास लगा हुआ है। अब बात करते हैं डिस्प्ले की, जिसमें आपको 6.5 इंच सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा जो FHD 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। साथ में आपको इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले देखेगा जो इतना छोटा है कि पता ही चलता कैमरा कैसे फिट किया गया है। अब बात करते हैं, डिस्प्ले इतना अच्छा है कि वीडियो देखने से आपको लगता है कि आप नेक्स्ट लेवल में पहुंच गए, और साथ में आपको स्टूडियो स्पीकर भी देखने को मिलते हैं जिससे आपकी ऑडियो क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी जाती है। ऑडियो और वीडियो के मामले में सुपर है ये फ़ोन, और इसी बात पे आपको एक लाइक तो बनता ही है। और आप 4500 mAh बैटरी देखने को मिलेगी, फिर भी फ़ोन काफ़ी पतला है। इसके वेट की बात करें तो इसका वेट सिर्फ 190 ग्राम है, और साथ में दोस्तों 25 वाट की फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिलेगी, साथ में आपको वायरलेस चार्जिंग भी देखने को मिलेगी। 50,000 के अंदर बहुत कम ही फ़ोन है जिसमें वायरलेस चार्जिंग देखने को मिलती है, यही नहीं आपको रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी देखने को मिलेगी। इसके साथ में आपको IP68 की सर्टिफिकेशन भी देखने को मिलेगी जिससे आपका फ़ोन अगर पानी में भी भीग जाता है फिर भी आपका फ़ोन सेफ रहेगा। ये सब प्रीमियम क्वालिटी ही है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करें तो इसमें आपको एक्जिनोस 990 देखने को मिलेगा जो One UI 2.5 पर आता है। काफ़ी आसान है इसे चलाना, ये काफ़ी अच्छा कस्टमाइज़ किया गया है इसलिए कोई प्रॉब्लम आपको दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी। साथ में आपको इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिलेगा जो एक फ्लैगशिप फीचर है, और साथ में आपको गेमिंग के लिए कोई टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है क्योंकि गेमिंग काफ़ी अच्छी क्योंकि इसमें फ्लैगशिप प्रोसेसर लगा हुआ है। अब बात करते हैं इसके मेन फीचर्स की, तो जनरली आप जब सैमसंग का फ़ोन लेते हैं तो कैमरे के बारे में ज़रूर सोचते हैं क्योंकि सैमसंग के कैमरे काफ़ी बेस्ट होते हैं। इसमें आपको 64MP या 48MP कैमरा देखने को नहीं मिलेगा, फिर भी आपको कैमरा वन ऑफ द बेस्ट कैमरा फ़ोन में से एक होगा। इसमें आपको 12MP ट्रिपल रेयर कैमरा देखने को मिलेगा, प्राइमरी कैमरा 12 MP का होगा जो वाइड होगा, और सेकंड जो 12 MP का अल्ट्रा वाइड होगा, और थर्ड जो होगा 8 MP का टेलीफोटो होगा। इससे आप 30x तक जूम कर सकते हैं। और हाँ, फ्रंट कैमरे की बात करें 32 MP सेल्फी शूटर देखने को मिलेगा। वैसे फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको आगे और पीछे दोनों से आप 4K वीडियो 60fps तक कैप्चर कर सकते हैं। साथ में आपको फ्रंट कैमरे से स्लो मोशन वीडियो भी आप अच्छी तरीके से ले सकते हैं, यही नहीं आप OIS भी आपको मिलेगा, और साथ में आपको नाइट मोड भी देखने को मिलेगा जो काफ़ी अच्छे तरह से आपको फोटो कैप्चर करके देगा। और यही नहीं, कैमरे के एक और फीचर देखने को मिलेगा जो एक फ्लैगशिप फीचर है सिंगल टेक। साथ में आपको स्टोरेज की बात की उसमें दो वेरियंट देखने को मिलेगा, 128 और 256 GB। अब रैम की बात की जाए तो इसमें रैम भी आपको दो वेरिएंट देखने को मिलेंगे, 6GB और 8GB। अब साथ में इसमें बात कर लेते हैं कलर्स की, तो ये कई कलर्स में देखने को मिलेंगे। इस बार सैमसंग ने कई कलर्स में फ़ोन उतारे हैं, जो आपको पसंद हो आप वो चूज़ कर सकते हैं। अब प्राइसिंग की बात किया, इसके बेस वेरिएंट की प्राइस 50,000 है, पर आप अगर HDFC का कार्ड लगाते हैं तो आपको 4,000 ऑफ मिलेगा। इसके साथ में कई ऑफर और हैं जो आप लगा सकते हैं। इसके बाद में ये फ़ोन आपको 43,000 का मिलेगा, सिर्फ 43,000 का आपको फ़ोन मिलना है, इससे अच्छा क्या होगा। इसे कहते हैं फ्लैगशिप। एनीवे, वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।